हेलो। हेलो हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते इंजीनियर अमित पंडित कटिहार लाइव न्यूज से बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते अमित नमस्ते सर, एक आपका सर चिट्ठी वायरल हो रहा है, काफी वायरल हो रहा है सर। जी। हाँ तो चिट्ठी तो हमने लिखा है तो अब वायरल तो लोग करेंगे ही। सर इतना वायरल हो रहा है, सभी के मोबाइल में, सभी सोशल मीडिया में लगा रहे हैं कि आप राजद के दिग्गज नेता हैं, अभी भी पहले थे, और आप सर इस्तीफा दे दिए। आखिर क्या बात है सर, आपने सर इस्तीफा दे दिया सर? तो वो तो 4 लाइन जो लिखा है उसी में सारी बातें समाहित हैं। शतरंज की चाल आपने लिखा, और आप सर पहले जदयू के बड़े नेता थे और मंत्री भी रहे हैं सर, और काफी लोगों में आपकी पहचान है सर। श्याम रजक आज पूरा लोग जान रहे हैं, हम तो लोग आपने भी तो जान किया रहे है हैं जी। जी। तो क्या इसमें, आपने क्या तो आप किया क्या कहना चाहते हैं सर, इसमें। बताइए। देखिए वहाँ वहाँ देखिए वो हम रिश्ता निभाते हैं। जी हम पार्टी के अंदर बार बार मैंने भाषण भी कहीं सुने होंगे आप, तो जी कहते हैं पार्टी परिवार जी है और हम परिवार के तरह रिश्ता निभा रहे थे। जी और वो शतरंज के खिलाड़ी हैं तो वो रिश्ता को भी मोहरा बनाए हुए थे। जब तो तेजस्वी मोहरा यादव में जी, तेजस्वी यादव जी सुने क्या बोले, उसके बाद आपका कहीं सेटिंग नहीं हो पाया, टिकट नहीं मिला, जिसके कारण से आप गुस्से में थे, क्या है सर, क्लियर बताइए सर। देखिए श्याम रजक को टिकट के लिए लड़ाई नहीं लगता है। हम है विजन के लिए, काम के लिए। और जी मेरा विजन है फुलवारी की जनता का विकास हो और पूरे देश के बिहार में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक गरीब गुड़वा के हाशिए पर जो जा रहे हैं उसकी लड़ाई हम ईमानदारी से लड़े। सिर्फ वक्तव्य नहीं बल्कि उसकी सतह और सड़क पर जाके लड़ाई लड़े। ठीक है सर, आप शुरू से लड़ाई उसमें लड़ रहे हैं व्यवधान हो सर। रहा था, उसमें व्यवधान हो रहा था। जिस समाज से आप आते हैं, अपने समाज का पूरा जोर तरीके से आप रखते हैं सर। अंतिम सवाल आपसे, क्या आप किस में जाइएगा, नीतीश कुमार के साथ जाइएगा सर? जदयू में जाएंगे, 1 सितंबर को 12 बजे ज्वाइन करेंगे। श्याम रजक जो बड़ी बात बोल रहे हैं सर, आप नीतीश कुमार से आपकी बात हो गई है बात तो अब होगी, जी? मैं जा रहा हूं, मैंने मन बना लिया है। मन बना लिया है, जहाँ हाँ थे डेट भी पहले फाइनल थे कर तो दिया। नीतीश कुमार से एकदम सांठगांठ हो गया सर आपका, साठ गांठ नहीं, हम उनके विजन के साथ हैं। उनके विजन के मेरा साथ विजन है। और उनके विजन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं सर, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, बताइए। यही कहना चाहते हैं कि देश के और राज्य में जी गरीब पिछड़ा दलित को अब तय कर लेना होगा। जी ये जो लोग जो हैं जो नकाब पहन कर करके और आपके घर में आते हैं तो जी उनके नकाब को भी उठा करके देखा कीजिए कि वो कहीं ऐसा नहीं ना है कि नकाब पहन कर करके और आपको नरभक्षी की तरह आपको खा जाए। जी जैसे एक याद होगा, एक आप बचपन में भी कहानी पढ़े होंगे, जी जी एक सियार था हेलो वो रंगरेज रंगरेज था, जी उसमें घुस गया तो नीला हो गया। जी पूरा आदमी समझने लगा कि वो नीला शेर है। वो अच्छा नीला शेर नहीं था, बारिश हुआ तो लोग सियार हो गया। जब तक बारिश नहीं था लोग डरते थे, लोग को लगता था कि सियार हमको ये सुरक्षा भी देगा और हमारे दुश्मनों को खतवा भी करेगा। लेकिन न उसको सुरक्षा मिला बल्कि उसी को खतवा मिल रहा था। लेकिन जब सियार असली आ गया तो लोगों ने उसको पीट पीट कर करके और उसको खत्म कर दिया। तो वही है स्थिति आज, तो उससे होशियार रहे, रंगे सियार से होशियार रहे। मतलब आपके नजर में नीतीश कुमार जी जो है उसकी पार्टी सही है, इसीलिए आप उसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो सर आरक्षण पे सर कुछ नहीं बोल रहा है ना, जो पार्टी है कैसे अभी नहीं, एससी एसटी आरक्षण क्रिमिनल, बताइए सर एक तारीख को मैं बोलूंगा। आरक्षण पर अगर वो नहीं रहते जी। तो मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था जी तो वो तो दलित उद्यमी योजना जब मैं प्रस्ताव दिया था और उसको लागू किया और अच्छा दलित उद्यमी योजना के अंतर्गत आज हजारों दलितों को रोजगार के स्वयं रोजगार, हमने कहा था उस समय दलित अब याचक नहीं होगा दाता होगा और अच्छा उस योजना के तहत लोग दाता बने। ये तो नीतीश कुमार का एजेंडा था। मैं तो एक विजन था मेरा, लेकिन नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं होता, नीतीश कुमार जी का निर्णय नहीं होता, नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं होता तो मेरा विजन सड़क पर ही रह जाता।
मतलब बड़ी बात आपने जो बताया, 1 तारीख को नीतीश कुमार के साथ मिलके, कितना तारीख बोले सर आप? एक सितंबर। 1 सितंबर को आप नीतीश कुमार के साथ मिलके उसका हाथ को और मजबूत करेंगे, यही ना सर?